हे एवरी वन, वेलकम बैक टू द चैनल. दिस इज़ सौम्या. आई होप यू ऑल आर सेफ एंड डूइंग ग्रेट. सो गाइज, आज मैं बिगनर्स के लिए मेकअप लुक ये वाला करने वाली हूँ. सो बहुत सिंपल है, बहुत कम स्टेप्स हैं. आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं आप उनसे इसे क्रिएट कर सकते हो. एकदम सिंपल सा न्यूड सा मेकअप है, बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने मेकअप करके रखा हुआ है. इट्स अ काइंड ऑफ नो मेकअप मेकअप लुक. सो या यहाँ पे मैंने सनस्क्रीन बस अप्लाई की, मतलब स्किन केयर मैंने पहले ही कर लिया है. तो यहाँ पे मैं सनस्क्रीन अप्लाई कर रही हूँ. लैक्मे की सनस्क्रीन है तो इसे तो यूज़ करना बनता ही है गाइस. सभी को सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए. एंड नेक्स्ट मैंने यूज़ किया है यहाँ पे प्राइमर. तो इनसाइड का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ. यदि आपके पास है तो बहुत बढ़िया वाली बात है, आप इसे ज़रूर यूज़ करो. क्योंकि मेकअप कम करें या ज़्यादा, स्किन को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इससे पोर्स भी मिनिमाइज़ होते हैं एंड एक लेयर भी बन जाती है हमारी स्किन एंड मेकअप के बीच में. सो नहीं है तो आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हो. नेक्स्ट मैं यहाँ पे आईब्रो वगैरह मैंने फिल कर ली हैं. बिल्कुल हल्का हल्का सा फिल करना है एंड अभी मेरी बनी भी नहीं है तो थोड़ी सी अजीब सी दिख रही है. सो या नेक्स्ट मैंने यहाँ पे पॉन्ड्स की बीबी क्रीम यूज़ की है एंड बहुत लाइट कवरेज मतलब मिलती है इससे. बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं मिलती है एंड ये इस ओकेशन के लिए बहुत बढ़िया है. यदि आप मेकअप लवर नहीं है, बहुत ज़्यादा मेकअप करना नहीं चाहते हैं, तो आप इस तरीके की बीबी क्रीम यूज़ कर सकते हो या सीसी क्रीम यूज़ कर सकते हो. इसे मैंने ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड किया है क्योंकि वैसे भी इसकी कवरेज कम होती है एंड मैं इसे स्पॉन्ज से ब्लेंड करती यदि तो वो आधा प्रोडक्ट स्पॉन्ज पे लग जाता है एंड बिल्कुल ही लो कवरेज हमें मिलती. तो यदि आपके पास ब्रश है तो आप यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप स्पॉन्ज यूज़ करो. और यदि उससे अच्छी कवरेज नहीं मिलती तो आप इसे रीअप्लाई भी कर सकते हो. देन इसे अच्छे से ब्लेंड कर लो. एक साथ बहुत सारा प्रोडक्ट नहीं अप्लाई करना, थोड़ा थोड़ा करके अप्लाई करना. नेक्स्ट मैं यहाँ पे कंसीलर यूज़ कर रही हूँ गाइस. आईब्रो ज़रूर फिल करना, हल्का हल्का सा स्ट्रोक्स में फिल करना. थोड़े से जो गैप है उन्हें फिल इन कर लेना, बहुत ज़्यादा फिल नहीं करना, एकदम नेचुरल लुक के लिए. एंड इसे जो मैंने कंसीलर अप्लाई किया है इसे भी ब्रश की हेल्प से मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है. एंड मुझे थोड़े से डार्क सर्कल हैं, उन्हें हाइड करने के लिए मैंने इसे यूज़ किया है. यदि आपको नहीं है तो आप कंसीलर को स्किप कर सकते हो. नेक्स्ट मैंने यहाँ पे फिटमी का कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है. आपके पास जो भी कॉम्पैक्ट है उससे आप अपने पूरे फेस को बहुत अच्छे से सेट कर लो क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है इस मौसम में एंड स्वेट बहुत ज़्यादा आता है. तो अच्छा होगा कि आप अपने बेस को अच्छे से सेट कर लें. नेक्स्ट मैं यहाँ पे ब्लश यूज़ कर रही हूँ. तो आप क्रीम ब्लश, पाउडर ब्लश, जो भी आप यूज़ करना चाहो कर सकते हो. मैंने यहाँ पे पाउडर ब्लश यूज़ किया है पिंक कलर में. बहुत हल्का हल्का सा अप्लाई करना, बहुत ज़्यादा नहीं करना है. तो थोड़ा थोड़ा सा अप्लाई किया. नेक्स्ट मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का ये वाला पैलेट लिया है एंड इसमें से जो सबसे लाइट शेड है ना उसे मैंने पिक करके एंड अपनी क्रीज पे एंड पूरी आईलिड पे अच्छे से अप्लाई किया है. नेक्स्ट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डार्क ब्राउन, मतलब ब्राउन शेड लिया है, डार्क है थोड़ा सा. तो इसे लेके आउटर वी पे प्लेस किया है. बस आपको दो स्टेप करना बहुत ज़रूरी है. आई शेड लगाते से नहीं आता है. पहला तो लाइट शेड को आप अपनी क्रीज पे आईलिड पे अप्लाई कर लो, देन डार्क शेड लेके आउटर वी पे प्लेस कर दो. ये हमारी आई का जो एकदम कॉर्नर वाला पार्ट होता है. मैंने यहाँ पे काजल लिया है एंड इसे अप्लाई किया है अपनी अपर वाटर लाइन पे एंड लोअर वाटर लाइन पे. अपर वाटर लाइन पे मुझे थोड़ी सी मुश्किल होती है अप्लाई करने में, बट लुक बहुत अच्छा आता है, आंखें थोड़ी सी बड़ी दिखती हैं. देन इसे एक ब्रश के हेल्प से अच्छे से स्मच कर लिया है. नेक्स्ट मैं यहाँ पे आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ. एकदम थिन लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, बहुत पतला सा आईलाइनर लगा रही हूँ ताकि बहुत ज़्यादा ओवर ना दिखे, बट ब्यूटीफुल जो लुक है हमारे ब्यूटीफुल लगे. नेक्स्ट मैंने यहाँ पे न्यूड शेड लिया है एंड NYV की मक्स एंड हक्स लिपस्टिक है एंड इसे मैं अप्लाई कर रही हूँ. बहुत अच्छी लिपस्टिक है, लॉन्ग लास्टिंग है, आप इसे परचेस कर सकते हो. यदि आप चाहो तो मैं इसका रिव्यू शेयर कर सकती हूँ. मैंने अभी 4 लिपस्टिक्स जो हैं परचेस की हैं NYV से. सो आप अपने फेस पे थोड़ा सा ग्लो चाहते हैं तो थोड़ा सा आप हाइलाइटर भी अप्लाई कर सकते हैं. ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं आप अप्लाई करो. एंड दिस इज़ माय फाइनल लुक गाइस. मैंने कुछ
ऐसे ज़्यादा वेयर नहीं किया है, बहुत सिंपल सा लुक रखा है। आप चाहो तो हेयर स्टाइल बना सकते हो, ज्वेलरी वेयर कर सकते हो एंड या अच्छा सा ड्रेस पहन सकते हो। एंड ये वाला मेकअप लुक बहुत सिंपल है गाइस, कोई भी इसे कभी भी क्रिएट कर सकता है, इसमें बहुत ज़्यादा ओवर दिखने वाला कुछ नहीं है। सो या वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को एंड शेयर करना इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।